स्टूडेंट क्लास थ्री, आपके सामने की बुक में चैप्टर है दरवाजे पर बहने वाली नहर। दरवाजे पे बहने वाली नहर से क्या मुराद है ये मैं आपको बताती हूँ। दरवाजे पे बहने वाली नहर यानी कि नमाज। नमाज जो है वो ऐसी है चीज़ है, नमाज इस्लाम का जो है दूसरा रुकन है, ये तो आपको मालूम ही होगा। और नमाज के लफ्जी मायने हैं दुआ। नमाज हर मुसलमान मर्द और औरत का फर्ज है। और फ़र्ज किसे कहते हैं? फ़र्ज उस इबादत को कहते हैं जो हर हाल में अदा करना ज़रूरी हो। नमाज वाहिद ऐसी इबादत है जो बीमारी में भी माफ़ नहीं है। अगर आप बीमार हैं, आपको बीमारी की हालत में किस तरह से नमाज अदा करनी है, नमाज की माफ़ी किसी सूरत में भी। बीमार हैं आप अगर, तो आप नमाज बैठ के पढ़ें। अगर आप बैठ के भी नहीं पढ़ सकते, आपको उसमें भी तकलीफ़ हो रही है, तो आप नमाज लेट के अदा करें। और अगर नमाज लेट के भी अदा नहीं कर पा रहे, उसमें भी आपको मुश्किल हो रही है, तो नमाज इशारों में अदा करें। तो देखा बच्चों आप लोगों ने कि नमाज किसी सूरत में भी नमाज की माफ़ी नहीं है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल जो होगा वो नमाज का होगा। नमाज जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज दीन का सुतून है। तो अगर आप नमाज कायम करेंगे तो दीन में भी आप दीन के कायम रहेगा। अगर आपने नमाज नहीं कायम की तो आपकी दीन की जो इमारत है वो भी गिर जाएगी। तो नमाज अदा करना बहुत बेनतहा ज़रूरी है, आपको किसी हाल में भी माफ़ नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया है और जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं यही वारिस हैं जन्नतुल फिरदौस के। समझ गए आप लोग बच्चों? तो आपने हुजूर एक दफ़ा का वाक्य मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। एक दफ़ा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ बैठे हुए, तो आपने अपने सहाबा किराम से बोला कि अगर तुम्हारे दरवाजे के सामने से एक नहर बह रही हो और उसमें तुम उसमें पाँच बार मोतर लगाओगे तो क्या होगा? उन्होंने कहा कि तो क्या तुम्हारे जिस्म का मैच कुछ है जो है वो बाकी रहेगा? तमाम सहाबा किराम ने जवाब दिया नहीं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हम दिन में पाँच बार मोतर लगाएंगे तो हमारे मैल जो है वो साफ हो जाएगा। तो हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि दिन भर की जो पांच नमाजें हैं वो तुम्हारे दरवाजे पे बहने वाली नहर की तरह है, जिसमें तुम पांच बार मोतर लगाते हो तो तुम्हारे जिस्म का तमाम मैल कुचैल जो है वो साफ हो जाता है, तुम गुनाहों से पाक हो जाते हो। तो हमारी नमाजें जो हैं हमें किस तरह पाक साफ कर देती हैं, आपको सबसे पहले मैं नमाज पढ़ने की शराइत बताती हूँ। नमाज पढ़ने की शराइत क्या क्या है? जिस्म कपड़ों और जगह का पाक होना, जिस्म कपड़ों और जगह का पाक होना यानी हमारा जिस्म पाक साफ हो, हम नहा धो के नमाज पढ़े, हमारे कपड़े पाक हों और जगह वो जगह जहाँ हम नमाज अदा कर रहे हैं वो जगह भी पाक साफ हो। जिस्म का छुपाना, हमारा जिस्म पूरी अच्छी तरह से कवर हुआ हुआ हो। ख़वातीन जो नमाज पढ़ती हैं उनके बाल, उनका पूरा जिस्म ढका हुआ हो, लिबास बारीक ना हो, तो आपको अपना जिस्म जो है अच्छी तरह छुपा के नमाज अदा करनी है। आपका रुख खाने काबा की तरफ यानी क़िबला की तरफ आपका रुख हो, आप नमाज अदा करने खड़े हो तो आपका रुख कहाँ होना चाहिए? क़िबला की तरफ होना चाहिए। नमाज जो है वो वक्त पे अदा करनी चाहिए। नमाज का वक्त पे अदा करना बहुत ज़रूरी है। दिल में आपके इरादा होना चाहिए नमाज पढ़ने का। आपका जब दिल में इरादा आप पढ़ लेंगे तभी आप नमाज पाबंदी से पांच वक्त की अदा कर पाएंगे। नमाज की पहली तकबीर यानी कि अल्लाह अकबर कहना, नमाज की पहली तकबीर यानी कि अल्लाह अकबर कहना, ये है नमाज के पढ़ने की शराइत। अब मैं आपको नमाज के फवायद बताती हूँ। नमाज हमें पाक साफ रखती है। आपने देखा है ना बच्चों, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम पाक साफ रहते हैं ना, बावजूद रहते हैं, पाक साफ रहते हैं, नमाज धो के साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। वक्त की पाबंदी बताती है हमें नमाज। हम नमाज पढ़ते हैं तो वक्त के पाबंद हो जाते हैं ना। नमाज हमें बेहयाई के कामों से रोकती है, हमें बुरे कामों से नमाज रोकती है। जब हम नमाज पढ़ने लगते हैं तो हमारा दिल जो है वो दीन की तरफ रागिब हो जाता है। जब हम दीन की तरफ रागिब हो जाएंगे तो हम खुद बहुत बुराई और बेहयाई के कामों से रुकेंगे। नमाज से बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। नमाज हमें किसके करीब कर देती है? नमाज हमें अल्लाह ताला के करीब कर देती है। हम अल्लाह ताला के बहुत पास चले जाते हैं, क्योंकि जब हम, आपने देखा है जब हम नमाज पढ़ते हैं और दुआ मांगते हैं या सजदे में जाते हैं और दुआ मांगते हैं तो हम अल्लाह से बहुत करीब हो जाते हैं। हम रो रो के सिर्फ उससे ही बातें कर रहे होते हैं, उससे अपने ही हमारे अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे होते हैं। नमाज जहाँ नमाज से हमें बहुत से दीनी फ़ायदे हैं, वहीं हमें उससे बहुत से
दुनियावी फ़ायदे भी हासिल होते हैं। हमारे दीन ने नमाज की शक्ल में हमें बेहतरीन एक तोहफा दिया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज जो है वो दीन का सुतून है, नमाज से हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के करीब हो जाते हैं, और जब हम अल्लाह और उसके रसूल से करीब होंगे तो अल्लाह ताला भी हमसे खुश होगा और हमारा रसूल भी खुश होगा, और जब जब अल्लाह और रसूल हमसे राज़ी होंगे तो हम अल्लाह के करीब हो जाएंगे, रसूल के करीब हो जाएंगे। तो हमें दीन पे चलने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। हमें कोशिश क्या करनी है बच्चों कि अल्लाह ताला हमें दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाए और नमाज पाबंदी से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आप कोशिश करेंगे ना, आप अपनी बुक में देखिएगा, आपके किताब में बहुत सारी ख़ास बातें लिखी गई हैं, उन ख़ास बातों को पढ़िएगा। नमाज आपको पता है, नमाज बाजमात नमाज अदा करना जो है वो अकेले नमाज पढ़ने से 27 दर्जे अफजल है। आप बाजमात नमाज पढ़ते हैं ना, आप घर में नमाज पढ़ेंगे, आप मस्जिद में जाके जब नमाज पढ़ते हैं तो आपको 27 दर्जे ज़्यादा सवाब मिलता है। आप कोशिश किया करें कि अपने वक्त पे नमाज अदा करें और पाबंदी से नमाज अदा करें। आपको पता चल गया होगा कि नमाज की किसी सूरत माफ़ी नहीं है, बीमारी में भी आपको नमाज अदा करना है। आपको अब अच्छी तरह से समझ गए आप इस चैप्टर को, मुझे यकीन है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि दरवाजे पे रहने वाली नहर किसे कहा गया है और इससे क्या मुराद है। अब आप अपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़िएगा और इसकी खास बातों को पढ़िएगा, और अब आप मुझे बताइएगा कि आप अपने अपने दरवाजे पे रहने वाली नहर में कितनी बार गोता लगाते हैं। इस सवाल का जवाब मुझे दीजिएगा, कि आप अपना लिखिएगा कि आप अपने दरवाजे पे रहने वाली नहर में कितनी बार गोता लगाते हैं, यानी कि आपके दिन में कितनी बार नमाज अदा करते हैं। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही इस वीडियो को मैं अपने नाम पे लगती हूँ। आप इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ के और तमाम खास बातों को पढ़िएगा ताकि जो है आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में